ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम गोइंग टू अपलोड ए न्यू वीडियो टुडे। एंड टिल नाउ आई हैव अपलोडेड मेनी वीडियोज बट नोबडी हैज मेड एनी क्वेरी। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और पुट इट इन द टेलीग्राम चैनल। एंड यू कैन गेट द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल बिलो द वीडियो इन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू विल सी ए ट्रायंगुलर button, you should push that button, and below you can get link of the list of different video that I upload, and also get the link of Telegram channel. There you can subscribe and you can find many videos that are related to your study, and please share this channel as more as you can, and you can subscribe it. If you subscribe my channel on YouTube, you will get the information of every video that I upload in the YouTube. Okay, let's watch this video. Distressed with statistics. Distressed means having no trust on statistics. Some people do not have trust in statistics and they give many comments on statistics. The comments are like these: statistics is a rainbow of lies, statistics are disuse of falsehood, statistics can prove anything, statistics cannot prove anything, statistics are like clay of which you can make a god or a devil as you please. कुछ लोग हैं जो सांख्यिकी के प्रति अविश्वास रखते हैं। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब सांख्यिकी के प्रति अविश्वास, और ये लोग इसके बारे में कुछ कमेंट करते हैं, कुछ मतलब उसके बारे में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं दैट डिसग्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिससे कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, सांख्यिकी का महत्व है, वो कम हो जाता है। तो क्या बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है झूठ का इंद्रधनुष है, जैसे या इसके मतलब डिस्यूज का मतलब जो बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो, तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये झूठ के डिस्यूज में बना है, मतलब झूठ की कोशिकाओं पर बना है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स को तैयार करने में सारा झूठ ही झूठ रहता है। थर्ड पॉइंट, स्टैटिस्टिक कुछ भी साबित कर सकते हैं। और फोर्थ की, स्टैटिस्टिक कुछ भी साबित नहीं कर सकते हैं। और कुछ ये भी कहते हैं कि स्टैटिस्टिक जो है मिट्टी की तरह है, जिससे आप चाहे जो कुछ बना सकते हो, चाहे भगवान की प्रतिमा बना सकते हो, चाहे शैतान की बना सकते हो। और देयर इज ए फेमस पर्सन डिजराइली एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लाइज डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। उन्होंने कहा है कि तीन तरह के झूठ होते हैं, झूठ सफ़ेद झूठ और स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। सो व्हाई देयर इज सच डिस्ट्रस्ट इन स्टैटिस्टिक्स, अब ये सांख्यिकी में इतना अविश्वास क्यों है? बिकॉज पीपल कैन मैनिपुलेट, दे कैन प्रेजेंट द डाटा इन देयर ओन सूट। लोग अपनी खुद की जो खुद के अनुसार डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं या अपनी जरूरत के अनुसार उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। डाटा मे बी ट्रू, द इंफॉर्मेशन मे बी ट्रू, बट द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन मेनी टाइप्स। डाटा बिल्कुल सही रहता है, स्टैटिस्टिक जो आंकड़े बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन उस आंकड़ों को कई तरीके से शो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट मे क्लेम दैट देयर इज ए राइज इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया बाई 17% in 2019, but the opposition may claim that there is only 5% rise in the per capita income. सरकार कह सकती है, दावा कर सकती है कि 2019 में 17% लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, लेकिन जो विरोधी है वो लोग कहते हैं कि नहीं, केवल 5% बढ़ी है। बोथ आर करेक्ट इन दियर ओन व्यूज, दोनों लोग अपने अपने अनुसार सही हैं। देन वाई देयर इज डिफरेंस, तो अब ये अंतर क्यों आ रहा है? बिकॉज
गवर्नमेंट इज प्रेजेंटिंग द डाटा इन करेंट ईयर प्राइस, गवर्नमेंट जो सरकार है वो करेंट ईयर के प्राइस पे डाटा प्रेजेंट कर रही है, बट द अपोजिशन हैज सर्वेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस का मतलब कोई पुराने साल की कीमत पे जो अपोजिशन पार्टी है उसने सर्वे किया और उसके आधार पे वो अपना डाटा प्रेजेंट कर रही है। तो हेयर इन दिस एग्जांपल अपोजिशन पार्टी इज प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2011-12 का। जो अपोजिशन पार्टी है वो 2011-12 के अनुसार डाटा को प्रेजेंट कर रही है इस एग्जांपल में। सी इफ इन द ईयर 2011-12 what a person can buy for rupees 100 in 2019, the person can buy those things for rupees 125 in 2019। एक व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए जो भी चीज़ें वर्ष 2011-12 में खरीद सकता था 100 रुपये में, आज वही चीज़ें उसको 125 रुपये में मिल रही हैं। एंड द इनकम ऑफ द पर्सन हैड रिजन बाई 30%, जो उसकी आय है उस व्यक्ति की 30% बढ़ गई है, मनी यानी हो गया इसका 130 रुपीज हो गया इस साल की इनकम। इन 2019 ही इज अर्निंग रुपीज 130। नाउ ही कैन नॉट बाई द सेम थिंग फ्रॉम रुपीज 120 सॉरी फ्रॉम ही कैन नॉट बाई द सेम थिंग फ्रॉम रुपीज 125 दैट ही कैन बाई फॉर रुपीज 100 इन 2011-12 में 100 रुपये का जितना सामान खरीद सकता था आज वो 125 में भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि 100 रुपये का सामान अब 130 के बराबर हो गया। सो बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन बोथ आर करेक्ट इन दियर ओन व्यूज, बट दे हैव मैनिपुलेटेड द डाटा, दे हैव प्रेजेंटेड द डाटा टू शो दियर ओन इंटरेस्ट। उन्होंने अपना जो डाटा दिखाया है, जो रिजल्ट दिखाए हैं, वो अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रूव करने के लिए दिखाए हैं। नाउ व्हाट काजेस डिस्ट्रस्ट, अब ये डिस्ट्रस्ट का कारण क्या है, कौन सी वजह से ये अविश्वास पैदा होता है। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें स्टैटिस्टिक की कोई गलती नहीं है। देर इज नो फॉल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी की कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, दिस इज द फॉल्ट ऑफ द यूजर हु यूजेस द डाटा, जो डाटा का प्रयोग करता है उसकी गलती है। हाउ स्टैटिस्टिक्स में कॉज डिस्ट्रस्ट, स्टैटिस्टिक्स में वाट आर द काजेज ऑफ डिस्ट्रेस, सी हेयर मेन काजेज ऑफ डिस्ट्रेस। नंबर वन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम, एक दी गई समस्या के बारे में अलग अलग तरह के डाटा इकट्ठे किए जा सकते हैं। मीन्स डाटा मे बी गिवेन इन ऑब्सोल्यूट टर्म और इट मे बी गिवेन इन परसेंटेज टर्म, लाइक वी कैन से देयर इज ए राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट बाई 1000 kg, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट देयर इज ए राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन ओनली वन बाई ओनली 0.1%। जो वीट का प्रोडक्शन है, कोई कह सकता है कि 1000 किलो बढ़ा है, और कोई ये भी कह सकता है कि केवल 0.1% बढ़ा है। अब जो 1000 kg का ग्राफ बढ़ रहा है तो उसके लिए तो 1000 देखने में बड़ा लगता है, बट इफ़ वी से देयर इज राइज ऑफ ओनली 0.1%, केवल 0.1% की राइज हुई है, ग्रोथ मतलब वृद्धि हुई है, तो वो कोई खास नहीं लगता है। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट स्टैटिस्टिक कैन बी ऑल्टर टू मैच द प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन्स, इफ ए पर्सन इज बायस्ड, अगर कोई बायस्ड है पर्सन मतलब कि पार्शियल है, देन ही कैन चेंज द डाटा, वो अपना डाटा चेंज कर सकता है। ही कैन यूज सच इंफॉर्मेशन दैट कैन प्रूव हिज ओन कंक्लूजन्स, जो उसके अपने मन के दिमाग में कंक्लूजन भरे हुए केवल वही प्रूव कर सकता है, ऐसा वो डाटा इकट्ठा कर सकता है या चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट, ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन सच ए मैनर एज टू कन्फ्यूज द रीडर्स, ऑथेंटिक
Statistics means verified statistics. This can also be presented in such manner that people may confuse what is correct or what is incorrect. लोगों को मतलब भ्रम हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है. ये ऐसा तब भी हो सकता है जब ऑथेंटिक मतलब वेरीफाइड डाटा हो तब भी, जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा था गवर्नमेंट और अपोजिशन का. नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हेन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए पार्शियल मैनर द रिजल्ट्स आर जनरली रॉन्ग, कॉन्सिक्वेंटली पीपल लूज फेथ इन देम. जब स्टैटिस्टिक्स को पार्शियल मैनर में कनेक्ट करते हैं, मीन्स वी डू नॉट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पर्सन, वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली अ सैंपल, एक सैंपल का, केवल एक चयन का डाटा कलेक्ट करते हैं, सबका डाटा नहीं कलेक्ट करते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रेस, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बट इट इज़ द फॉल्ट ऑफ इट्स यूजर, जो इसका प्रयोग करने वाला है उसकी गलती है, वो सही ढंग से डाटा नहीं कलेक्ट कर रहा है. ही मैनिपुलेट्स द डाटा, ही चेंजेस द डाटा, ही डज नॉट बिकम इम्पार्शियल वाइल चूजिंग द सैंपल, सैंपल चूज करते समय वो इम्पार्शियल नहीं रहता है, मतलब कि वो निष्पक्ष नहीं रहता है. तो ये सारी समस्याएं जिसकी वजह से स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रस्ट आता है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय वन अनदर एग्जाम्पल, एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं. देयर इज ए वेरी गुड मेडिसिन एंड इफ अ गुड डॉक्टर यूजेज द मेडिसिन फॉर द राइट पर्पज, वी कैन सी गुड रिजल्ट्स ऑफ मेडिसिन. वही अच्छी मेडिसिन है और एक अच्छा डॉक्टर उसको यूज करता है, सही ढंग से उसको मेंशन करता है किसी भी पेशेंट को, तो हम उसका अच्छा रिजल्ट देख सकते हैं. बट इफ द सेम मेडिसिन इज गिवन बाय ए बैड डॉक्टर टू ए पर्सन हु डज नॉट नीड इट, देन द रिजल्ट में भी रॉन्ग, मीन्स हिज कंडीशन में भी बैड, उसकी जो कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है. हिज कंडीशन मे बी वर्सन, उसकी जो स्थिति है वो पहले से भी ज़्यादा खराब हो सकती है. सो इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ मेडिसिन बट द फॉल्ट ऑफ डॉक्टर्स हु डज नॉट यूजेज इट प्रॉपरली. ये डॉक्टर की गलती है जो सही ढंग से उसको नहीं कर सकता है, यूज नहीं करता है. वही दवा जो एक के लिए मेडिसिन का काम करती है, दूसरे के लिए जहर का काम कर सकती है. नाउ what should we make, what precautions should we make to remove distrust. अब ये distrust को दूर करने के लिए हमें क्या precautions करना चाहिए, क्या मतलब सावधानियाँ बरतनी चाहिए. First thing, we should consider the statistical limitation, consideration of statistical limitation. पहली चीज़ है कि हमें सांख्यिकी की सीमाओं या कमियों को ध्यान में रखना चाहिए. We have already discussed the limitations of statistics in previous lecture. पिछले लेक्चर में सांख्यिकी की कमियों के बारे में बताया है. और नाउ सेकेंड, नो बायस. नो बायस मीन्स द पर्सन शुड बी impartial. पार्शियल नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, मतलब पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उसे निष्पक्ष होना चाहिए. When he is collecting data and he is using sample, then he should be impartial. He should not have any bias or prejudice. उसे पहले से कोई मतलब मन में पूर्व धारणा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पक्षपात होना चाहिए. Now third, application by expert. केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए. The statistics should be used by such person who knows all its uses. Who knows how he should use. उसको पता है कि उसको कैसे यूज करना चाहिए. What is the better use of statistics? Then the results may be true. The results may be correct. तभी results जो हैं सही होंगे या correct होंगे. Statistical methods are no substitute for common sense. सांख्यिकी विधियाँ सामान्य बुद्धिमत्ता की जगह नहीं ले सकती हैं, जो कॉमन सेंस है उसकी जगह नहीं यूज कर सकते हैं. वी मे सी दैट नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज व्हेन सम डॉक्टर्स
कम इन ए विलेज. हम देख ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी क्या हुआ, एक कुछ मतलब डॉक्टर एक गांव में आए तो वहाँ पे पेशेंट की संख्या बढ़ गई. देर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट एंड इंक्रीज इन डॉक्टर. वी कैन नॉट मेक कंक्लूजन डेट बिकॉज ऑफ न्यू डॉक्टर्स द नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीजेज इन द विलेज. हम ये नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर के आने की वजह से गांव में पेशेंट की संख्या बढ़ गई. फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट सिचुएशन वी आर सीइंग द इफेक्ट ऑफ COVID-19. एज द नंबर ऑफ टेस्ट और इंक्रीजेस द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑल्सो इंक्रीजेज. जैसे जैसे टेस्ट की संख्या बढ़ रही वैसे वैसे पेशेंट की संख्या बढ़ रही है. सो वी कैन नॉट से दैट द नंबर ऑफ पेशेंट्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ देयर आर मोर नंबर ऑफ डॉक्टर्स. हम ये नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर ज़्यादा होने की वजह से संख्या बढ़ गई और द नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मोर टेस्ट या ज़्यादा टेस्ट लेने से पेशेंट की संख्या बढ़ रही है. ऐसा नहीं कह सकते हैं. दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट, द पेशेंट्स वर ऑलरेडी देयर बट वी कुड नॉट आइडेंटिफाई बिफोर इन अर्लियर पीरियड. When we are doing less test at that time, we could not identify who were really affected by COVID-19. अब पहले क्या था कि हम पता नहीं कर पा रहे थे, कम टेस्ट होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं पता कर पा रहे थे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उससे वास्तव में अफेक्टेड हैं, COVID-19 से प्रभावित हैं. लेकिन जब ज़्यादा मतलब टेस्ट हमने बढ़ा दिए तो उस ज़्यादा टेस्ट होने की वजह से अब ज़्यादा लोग आने लगे. इसमें कोई ऐसा नहीं कि टेस्ट बढ़ने की वजह से हुआ, मतलब वो पहले से पेशेंट थे लेकिन उनको हम पता नहीं कर पा रहे थे. सो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस के लिए कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, मतलब सामान्य बुद्धिमत्ता की जगह स्टैटिस्टिकल मेथड को नहीं यूज कर सकते हैं. द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो स्टडी है अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र. दूसरा पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र या वृहत अर्थशास्त्र. सो वट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉल. जो वेस्ट है, वेस्ट का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म. एंड मैक्रो मीन्स लार्ज. मैक्रो यानी बड़ा, लार्ज. समष्टि का मतलब बड़ा. सो व्हाट इज नाउ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वेयर वी स्टडी द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी और प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑफ इकोनॉमी. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है जिसमें हम आर्थिक समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर, व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं या व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करते हैं या ऐसी समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो काफ़ी अर्थशास्त्र में काफ़ी निचले स्तर पर हैं या सूक्ष्म स्तर पर हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ ए कंज्यूमर, स्टडी ऑफ ए फर्म, स्टडी ऑफ ए प्रोड्यूसर, स्टडी ऑफ एन इंडस्ट्री, स्टडी ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ ए कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम ऑफ ए पर्टिकुलर गुड. इसमें एक वस्तु के बाजार संतुलन के बारे में स्टडी करना या एक उपभोक्ता के आय और व्यय के बारे में या उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन करना या एक उत्पादक के व्यवहार के बारे में स्टडी करना, एक फर्म के बारे में स्टडी करना कि कैसे वो प्रॉफिट करते हैं, कैसे वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं, हाउ ए कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फैक्शन, हाउ ए प्रोड्यूसर मैक्सिमाइजेस हिज प्रॉफिट एक्सेट्रा. मतलब एक ही जितना पढ़ना है, वन यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ना है. बट इन मैक्रो वी स्टडी सच इश्यूज विच आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स टू द वेरिएबल्स विच अफेक्ट द होल इकोनॉमी. हम ऐसी समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं जो पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं.
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। समस्त अर्थशास्त्र ऐसे आर्थिक चरों का अध्ययन है जो पूरी अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। नाउ देयर इज अ बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। An inquiry to the nature and causes of wealth of nations This book is written by Adam Smith, and Adam Smith is known as the father of economics, father of modern economics, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता Adam Smith को बोलते हैं। और Adam Smith ने पुस्तक लिखी थी An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, in short it is also called as Wealth of Nations। इस बुक को शॉर्ट में Wealth of Nation भी बोल सकते हैं। पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अब मैं डायरेक्टली बुक से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उससे बड़ा टाइम लगता है नोट्स बनाने में, एंड हिंदी व्यूवर्स कैन राइट व्हेन आई स्पीक इन हिंदी। जब मैं हिंदी में कोई हेडिंग बताऊँ तो हिंदी व्यूवर्स को नोट कर सकते हैं उसी समय, वीडियो पॉज करके। ओके okay.